इसके अंदर तीन सर्कल है, स्ट्रेट है, ऐसे ही। अब आप चाह रहे हैं कि तीनों का डिस्टेंस बराबर हो, आधे के बाद मुझे चाहिए डेढ़ फीट, डेढ़ के बाद मुझे चाहिए 3.5 फीट, या वॉट एवर। अगर मैं कहता हूँ आधा इंच के आगे है, तो आधा इंच यहाँ से आगे, आधा इंच यहाँ से स्टार्ट हुआ है या आधा इंच यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बीच वाले को मैनेज करना पड़ेगा। अब आप उसी को, क्योंकि सर्कल है तो उसी को रोटेट कर, ऊपर भी एक ग्रिड आ जाएगा। देखिए सेंट्रलाइज तो हो सकता है, मैं इन चारों को हटा देता हूँ, ये हट गए, रूलर भी हटा, गाइड्स भी हटा देता हूँ, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करो और सेंटर निकाल लो, वो बन जाएगा बूट सर्विसिंग या फर्स्ट वो स्लाइड्स। देखो वो जितनी भी चीज़ें कंट्रोल सी कंट्रोल बी मैं करता हूँ यहाँ वहाँ रखते हैं, तो वो ओवरलैप नहीं लिया ना सेंटर। अब अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी प्रॉपरली नहीं करेगा, क्योंकि सब सेंटर। तो इसलिए हमें एक्यूरेसी करनी पड़ेगी, और एक्यूरेसी के आपको रूलर और गाइड्स की जरूरत पड़ेगी। रूलर और गाइड्स का काम ही एक्यूरेट करना होता है ताकि मेरी गाइडेंस मिल पाए। अब जैसे मैंने कहा यहाँ आधे से स्टार्ट हो, अगर आप कहते हैं एक से स्टार्ट हो, हम एक पे रख लेते, वहाँ पे भी एक पे खत्म करना पड़ता, तीन पे खत्म करना पड़ता, एक इंच का गैप यहाँ, एक इंच का गैप यहाँ, बाकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो बीच भी उसको हम लेते हैं। रूलर और गाइड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब तीन चार चीज़ें करेंगे, सेंटर करेंगे, सभी सेंटर में आ जाएंगे। अब आप चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट वैसे नहीं होगा जैसे आप चाह रहे हैं। दूसरा सवाल, हमने आज पढ़ना था शेप बिल्डर के बीच का, तो सेकंड टू ऑप्शंस हैं, इनको स्टडी करें। इसको स्टडी करने के लिए
मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये ट्रेस का ऑप्शन एक्टिव होगा, ठीक है। अगर क्रॉस आ रहा होगा तो आपको इंगेट करना पड़ेगा, अभी ये इंगेटेड। ट्रेस पे बटन पे क्लिक करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में चला जाएगा। यहाँ पे इसके डिफॉल्ट सेटेड ऑप्शन है। ट्रेस का मतलब पिक्सल को हम डॉट्स में कन्वर्ट कर, ट्रेस कर रहे हैं, वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस ग्राफिक्स चेंज हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट ही रहा। अब हम इसके पैनल में आ गए, इसका पैनल है, इसमें डिफॉल्ट प्रीसेट्स हैं, आपके कम से 3 कलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 कलर में कन्वर्ट हो गया। आपके पास 6 में कर लें, उसी के अंदर से निकाल रहे हैं आगे, वो मैक्सिमम की पॉलिसी के ऊपर चलते हुए आपकी चीजों को निकाल रहे हैं। आपने कहा कि 12 में कन्वर्ट करना है या 16 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन 60 करके देखते हैं, इसकी पूरी डिटेल आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो गई, पार्ट्स कम या ज्यादा होंगे, कॉर्नर्स कितने होंगे, 100 पर शेप कॉर्नर, मतलब देखें 973 9781 कम हो कॉर्नर के प्रॉब्लम में होंगे, कॉर्नर में एजेस जितने भी अंदर शेप कर रहे हैं उनकी बात, ठीक है। नॉइस कितनी आ रही हो एजेस के अंदर, मैं इसको 10 करके देखता हूँ, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, 92 हो रहा है, 92.60 ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको 25 कर दूँगा। अब हम चाहे देख रहे हैं यहाँ पे ये कलर मिल गया, एनीवेज हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड में क्या होगा कि आपकी इमेज जो ये थी ये इस ऑप्शन से बाहर आ जाएगी, अभी तो आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप इसको ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितने भी शेड्स होंगे पीसेस होंगे सब ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप उसको कम से कम लो कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको हाई कलर में कन्वर्ट कर रहे हो, आप यहाँ डिटेल और इमेज लुक भी वैसी हो गई है, ठीक है। मगर जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो उसमें तो फर्क पड़ा है, फर्क आपको यहाँ पता चलता है, कंट्रोल जेड पर नहीं, एक चेंजेस करने से पाथ वगैरह सब पे फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी एक दो चीज़ों पे फर्क पड़े बाकी चीज़ों पर तो फर्क तो पड़ेगा। तो मैं वापस जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, लेकिन मैं वापस इसी ऑप्शन पर आ गया, इसको सिर्फ 25 कर रहा हूँ। सो ऑनर सॉल्व भी कर करना चाह रहा हूँ और इसको यहाँ से आके मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। अभी ऑप्शन है पाथ में कन्वर्ट होगी। अब मैं अगर लोगो बनाना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स लोगो है, तो उसको कोई शॉट मारता है ऐसा कोई भी या जो वॉलीबॉल का जो बॉल बास्केट करते हुए नजर आ रहा है, बहुत से लोग हो सकते हैं, बहुत से शेप्स होते हैं जो नजर आ रहे हैं, इसे भाग तब आ रहे हैं, ठीक है। तो उन जगहों पे फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, प्लेस को अपग्रुप कर लिए, ग्लव्स से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं,
कुछ हो गया यहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह। कर जहाँ तक इसकी बात है तो हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे शेप नहीं है। से ब्रेक आ गया, ये जगह भी मैं डिलीट कर दी थी। बाद में जाके आप इसके वर्जन्स क्रिएट कर लो, ऐड कर लो। अभी के अंदर बहुत सारे सेटअप आउट हैं, सेमीकॉलन, अंदर की तरफ है ना, इनको हम क्या करें? मतलब ये जो एक अटैच हुआ है इसको हम यहाँ से जितने भी ऐसे हैं जो कॉर्नर से अटैच है उनको सस्पेंड करते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, आप उसको यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं। कम होंगे और आपका डिजाइन लाइट वेटेड डिजाइन एक साइड में आप यहाँ से भी कर सकते थे। अभी हमने ठीक ठाक पॉइंट्स कम कर लिए और आप यहाँ पे जाके इसकी कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। अराउंड 500-600 पॉइंट्स होंगे इसके, हमने कम किए इसकी। जैसे मैं इसको करता हूँ 85%। बाकी जिन जगहों को जिस तरह से आप कवर करना चाहें वो कवर कर सकते हैं। मैंने राउंड पे ये राउंड हो गया, ये आपका इंटरेस्ट है।
यहाँ जैसा से पीला तो मुझे वापस दोबारा देखते हैं कैसे बोल सकते हैं कॉपी किया ग्रुप किया इसको मैं हटा देता हूँ पेस्ट किया पेस्ट किया पैनल खोला छह कलर ठीक है मैं यहाँ से कुछ भी कलर दे सकता हूँ नौ लीजिए मुझे बारह पे नहीं जाना मेरे नौ लीजिए मैंने बारह कल ये बारह का ऑप्शन नहीं था कैरेट सोलह का इसको भी पंद्रह दे इसको भी सात दे दो ये जगह मुझे लगता है ऐसे यहाँ कहीं मिल रहा होगा बाकी सब ये जगह मिल जाएगा तो इसलिए मैं इसको अठारह पे ले जाऊँगा या सोलह पे ले जाऊँगा ऐसा शेप में पड़ रहा है एक्सपेंड करने के बाद ये दो चीज़ें एक्टिव हो जाती आपने कहा मुझे इसका ड्रेस चेंज करना लाइट पिंक बकेट टू ठीक है मेरे पास ऑरेंज कलर सेट हुआ है मैंने जरा डिटेल पे मेरा एरो वर्क कर रहा है एरो जहाँ पर है वहाँ से तो इसके साथ मुझे दूसरा कलर कौन सा चाहिए कलर देने का कलर ही नहीं कर करेंगे और इस बारे में क्या करना ये लाइट सिलेक्शन भी है आपने कहा ये एक जैसे कलर है मैंने एक जैसे कलर इसको एक साथ सिलेक्ट कर मैंने एक साथ इनको जो है सियान कलर ठीक है यहाँ पर आकर अगेन से आम दिया और यहाँ से मैंने उसकी
लेंथी प्रोसेस है, टाइम ज्यादा ले रहा है, मगर ये चीज आपको आपकी मर्जी के मुताबिक। यहाँ पे दोबारा हमने सी आर लिया, यहाँ से हमने इसको परचेस पेन लाइट पेंट आया, पेन लाइट होता है इसके लाइट पेंट और लाइट सिलेक्शन। लाइट पेंट डायरेक्ट कलर कर रहे हैं, लाइट सिलेक्शन पहले सिलेक्ट करके दे रहे हैं आपको, जिसमें फैसिलिटेड मिल रही है आप उसमें यूज कर सकते हैं, जिस तरह से कवर करना चाहे कर सकते हैं। अब जैसे ये चीज तैयार हुई तो मैं कहता हूँ मुझे लोगो बनाना है, को हटा सकते हैं। ग्रेजुएशन बना के भी नहीं है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप उसको वहीं ऐसे कंटिन्यू करते हैं। वेरिएशन जैसे सूट करे आप वैसे उसको कवर अप कर सकते हैं, लोगो बनाने, डिजाइन बनाने, व्हाट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि पहले लोग ऐसे ही बन रहे थे और अभी भी काफी जगहों पे उन्हीं का रेफरेंस देने के लिए यूज कराया जा रहा है। पेंसिल से या पेन से यहाँ पे पाथ ऑफ डिस्कस करती है, अब इसको कॉपी कर जाए ठीक है, मगर इस टेक्स्ट को पहले शेप में कर, फिर इसके साथ आपने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड हो गया, उधार हो गया, अब सीधा सा आपने कंट्रोल ऐड किया ठीक है। आपको अगर मैं इसको इस जगह से भी देखना चाहूँ तो मैंने ऊपर किया इसको, दोनों को स्टेप पे डिवाइड कर लीजिए। इसके साथ यहाँ पे इंप्लीमेंट करके इसको ब्लैक कर लें,
वेरिएशन बना है बगैर तो आपसे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप एक लोगों के फ्लोटिंग वेरिएशन बना के अगर इससे पहले कि वो आपको कहते हैं कि यहाँ रखे देखिए उसको वैसे ही ताकि वो चीज़ को सोचे तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एक लोगों बना रहे उसको दो तीन वेरिएशन आप दूसरा डिजाइन बना रहे उसके दो तीन वेरिएशन वो खुद ही आपको कहें कि ये चीज़ कर लो वो चीज़ कर लो ज़्यादा बेहतर है। थैंक्स बोलते देखिए ये शॉर्ट का वो ये कह सकता है कि यार सब कुछ सही है जो बंदा तुमने शॉट खेलते हुए ये सही नहीं दूसरा लो एक चीज अप्रूव हो गई स्टाइल यही आ जाएगा सब करेक्ट होना के जब वो कहते हैं मैं ही ढूंढ के देता हूँ वो लगाओ आपका 90% काम कंप्लीट है 10% वो इमेज देगा आपने उसको फेस करके इसके पॉइंट्स कम करके एडजस्ट करके अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फाइल कॉल है पॉइंट जितने ज़्यादा कंटेन करेगा उतना फाइल है कर सकते हैं मगर उसको टाइम लगेगा ट्रेस के लिए हो रहा है यहाँ पे जल्दी हो रहा है इस तरह की कोई चीज बनानी हो तो इस तरह से करके कह सकते हैं इसको पिक्टोग्राफी के हम वहाँ पे उसको कन्वर्ट करके दे रहे हैं डिजाइन करके पता लग रहा है जो टाइप